नमस्कार, वक्त हो चला है बड़ी खबरों का। आपके साथ मैं हूं अंशु, आप देख रहे हैं जोहार छत्तीसगढ़। रायगढ़ जिले के सभी रेड पॉइंट, साइडिंग, वासरी एवं फैक्ट्री से माल परिवहन का कार्य पूर्ण रूप से बंद करने सभी वाहन मालिकों से अनुरोध कर आज रायगढ़ जिले में अनिश्चितकालीन आर्थिक नाकाबंदी की गई है, जिसमें लंबे समय से उचित भाड़ा दिए जाने की मांग कर रहे ट्रेलर मालिकों द्वारा आज आर्थिक नाकेबंदी की गई। छाल ट्रेलर मालिकों ने भी खेदापाली धूलचौक के पास धरने पर बैठे हैं। आपको बता दें कि ट्रेलर मालिकों का मानना है कि उद्योगों द्वारा उन्हें दिया जा रहा भाड़ा उनकी जरूरतों के मुकाबले बहुत कम है। ऐसे में बामुश्किल ही डीजल का खर्च ही निकल पाता है, तो ड्राइवर को कहां से मेहनताना दें। समस्या है कि 2015 में हमको भाड़ा दिया जा रहा था 350 रुपये कहीं डीवी का, आज मिल रहा है हमको 250 रुपये, जिसमें डीजल उस समय था 50 रुपये, आज है डीजल 90 रुपये, जिसमें हमको आज इतना दिक्कत हो गई है कि हमको खाना पीने के लिए भी दिक्कत हो रही है। गाड़ी का मेंटेनेंस है, किस्ती भी नहीं पटा पा रहे हैं, जिसमें ड्राइवर भी जुड़े हुए हैं, हमारे टायर मेंटेनेंस है, हमारा गैरेज का मेंटेनेंस है, जिसमें आप हमारा खुद का पेट का मेंटेनेंस है, तो दूसरे को भी हम चला रहे हैं, अपने ड्राइवर को भी चला रहे हैं, उसका भी पेमेंट नहीं दे पा रहे, जिससे वो जैसे हम ड्राइवर के थ्रू गाली सुन रहे हैं, जिसके उद्योगपति लोग भाड़ा इतने कम कर दिए हैं कि जिसमें हमको परेशानी की इतनी परेशानी हो गई है कि बाल बाल हमारे कर्जे में डूब पड़ी। आज हम जितने भी ट्रक मालिक हैं अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए हैं, क्योंकि डीजल का रेट, जैसा कि सब जान रहे हैं, डीजल का रेट आज आसमान छू रखा है। 90 रुपये डीजल का रेट आज बढ़ा हुआ है और भाड़ा हमको इतना कम दिया जा रहा है। गाड़ी मालिक हम अपना भाड़ा भरें कि गाड़ी का मेंटेनेंस करें, ये हमको समझ नहीं आ रहा है। 2015 में जब डीजल का रेट 56 रुपये था, तब सारे गाड़ियों का रेट आसपास की जितनी भी कंपनी है, आज जो भाड़ा मिल रहा है उससे 100 रुपये ज़्यादा थी, जब डीजल का रेट 56 रुपये था। आज डीजल का रेट 90 रुपये है, मगर भाड़ा हमको 100 रुपये कम दिया जा रहा है, ऐसा क्यों? ये नाइंसाफी क्यों? क्या जितने भी लिफ्टर हैं ये अपना जेब भरने के लिए ऐसा कर रहे हैं? तो हम जितने भी ट्रक मालिक हैं क्या करेंगे? हम भूखे मरेंगे। हमारी मांग है कि हमारे इस छाल खदान में सारे गाड़ियों का भाड़ा हमारे हिसाब से तय किया जाएगा, और जब तक वो हमारे हिसाब से तय नहीं होगा तब तक हम यहाँ ऐसे ही बैठे रहेंगे, चाहे अनिश्चितकालीन करना पड़े, चाहे एक दिन बैठना पड़े कि दो दिन बैठना पड़े, कि हम चाहे भूख हड़ताल करना पड़े, मुश्किल तैयार है। जिससे ट्रेलर मालिक निरंतर कर्ज के बोझ तले दबते जा रहे हैं, ऐसे में भाड़ा में बढ़ोतरी ही एकमात्र उपाय है। लेकिन दूसरी तरफ उद्योगों द्वारा भाड़ा में वृद्धि नहीं की जा रही है। ट्रेलर मालिकों का कहना कि हमें जब तक संतोषजनक भाड़ा नहीं मिलेगा हम धरने पर बैठे रहेंगे। वीरेंद्र ठाकुर, नवल राठिया, शांतिलाल साहू, सहनू राम निशा सहित छाल क्षेत्र के सभी ट्रेलर मालिक धरने पर बैठे हैं। धर्म जयगढ़ से अनिल साव की रिपोर्ट। फिलहाल की बड़ी खबरों में बस इतना ही, बाकी की तमाम छोटी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए जोहार छत्तीसगढ़। नमस्कार।